जब हम मीन निकालते हैं, जो आपने स्टेटिस्टिक्स में 9th में पढ़ा था, उससे आगे जब हम चलते हैं, तो ये हमारे पास टेबल आती है जो हम ग्रुप डेटा कहते हैं। जब हम ग्रुप बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं, तो 0 से 2 एक ग्रुप है, 2 से 4 एक ग्रुप है, 4 से 6 एक ग्रुप है, और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ हाउसेस। ठीक है, तो आप इस टेबल को पहले ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन तो अभी हम करेंगे, तो भाई हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में क्लासेस भी कह सकते हैं, क्लास जो हमारे पास है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स उसने मेंशन कर दिए कि भाई वो घर जिनमें 0 से 2 प्लांट हैं, 2 प्लांट्स हैं, या फिर 2 to 4 प्लांट्स हैं, या फिर 4 to 6 प्लांट्स हैं, 6 to 8 प्लांट्स हैं, 8 to 10 प्लांट्स हैं, 10 to 12 प्लांट्स हैं, और 12 to 14 प्लांट्स हैं। तो ये आपके पास एक कॉलम आ गया। अब हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ हाउसेस, कि कितने घर ऐसे हैं जिनमें इतने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। तो नंबर ऑफ हाउसेस जनरली इसको एफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये बस, तो अब आपके पास क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 0 से 2 जो हमारी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, 2 से 4 जो हमारी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 4 to 6 क्लास की फ्रीक्वेंसी 1, 6 to 8 5। ये जो स्टेटिस्टिक्स है इसमें मेन पार्ट यही है कि आप टेबल फॉर्म करें, कॉलम्स बनाएं। ठीक है, कौन कौन से कॉलम्स आने हैं, मीन में, मीडियन में, मोड में, बस यही ध्यान रखना है। ये फ्रीक्वेंसी है 2 और ये फ्रीक्वेंसी है 3, तो बस मेन पार्ट तो ये। अभी हमने टेबल लिखा, और सपोज करो अगर हमें, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मीन निकालना है, तो मीन के लिए आपको क्या करना है, आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, मिड पॉइंट, क्लास मार्क, जो आपके पास जो क्लास दिया हुआ है बेटे 0 से 2, पहले वाला क्लास देखो आप 0 से 2, तो आपको इसका मिड पॉइंट निकालना। तो मिड पॉइंट जो होता है, जो क्लास मार्क होता है, उसका फॉर्मूला होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है एमसीक्यूज में, कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है, 0, और अपर लिमिट कितनी है, 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 by 2, तो 2 by 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटे हमें क्लास मार्क निकालना होता है, क्लास मार्क को हम कहते हैं एक्स, क्या कहते हैं, डेटा। तो इसका इसका पहली वाली क्लास क्लास का क्लास मार्क आएगा 1। 2 plus 4 कितना होता है, 6। 6 का हाफ क्या होगा, 3। तो यहाँ आ जाएगा 3। अच्छा, 4 plus 6 कितना होता है, 10। हाफ होगा 5। 10 का होगा 5। यस, अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, अगर आप देखोगे सारी क्लासेस में 2 का गैप है, सारी क्लासेस में कहने का गैप है 2 का, सब में 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। तो आप जरा यहाँ चेक करो, जो हमने क्लास मार्क निकाले, पहला क्लास मार्क आया 1, फिर दूसरा क्लास मार्क आया 3, फिर तीसरा क्लास मार्क आया 5, तो यहाँ भी 2 का ही गैप आएगा। तो आप अगर आपके सारे क्लास साइज सेम है, तब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नेक्स्ट वाला आएगा 7, फिर नेक्स्ट वाला आएगा 9, फिर नेक्स्ट आएगा 11, फिर नेक्स्ट आएगा 13। आ गया समझ में? Yes. ठीक है, तो ये आपको निकालना है x। तो जो आपको टेबल दी होगी उसमें से x निकालना है आपको। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मेथड को डायरेक्ट मेथड ही कहते हैं, f into x कर दीजिए, क्या कर दीजिए, f into x। तो F कितना है पहले वाले कॉलम में, सर पहले वाले कॉलम में F कितना है, 1, और X कितना है उसके सामने, 1। दोनों को मल्टीप्लाई करिए,
तो वन इंटू वन क्या हो गया, वन। अच्छा दो, दूसरे वाली लाइन में क्या है, एफ कितना है और एक्स कितना है, टू और थ्री, टू थ्री जा सिक्स, यस। और फिर वन इंटू फाइव, यस। फिर फाइव इंटू सेवन, थर्टी फाइव, यस। और सिक्स इंटू नाइन, फिफ्टी थ्री, फिफ्टी फोर। और टू इंटू इलेवन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू, यस। और थ्री इंटू थर्टीन, थर्टी नाइन, थर्टी नाइन, ठीक है। तो ये हो गया एफ एक्स। अब इन सबको टोटल करना है, एफ एक्स का भी टोटल लेना है और एफ का भी टोटल लेना है। एफ एक्स का जो टोटल लेंगे उसको हम कहते हैं, टोटल को हम कहते हैं सिग्मा, सम, सम को हम कहते हैं सिग्मा। ये सिग्मा सिंबल है सम का, और किसका सम ले रहे हो, एफ इंटू एक्स का। तो सिग्मा एफ एक्स निकालो, एड करो एफ एक्स वाले को। अगर आप ऐड करोगे तो वो आपके ऊपर, आप किस तरह से, वन प्लस सिक्स सेवन, सेवन फाइव ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव सेवनटीन, सेवनटीन फोर ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री और नाइन थर्टी टू, थ्री कैरी। तो थ्री थ्री सिक्स फाइव इलेवन, है ना भाई, थ्री थ्री सिक्स फाइव इलेवन टू थर्टीन और थ्री सिक्सटीन। तो कितना आ गया आपका, 162। अब आपको f का सम निकालना है बेटा, f का सम। तो इसे आप कहोगे सिग्मा f, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, 1, 1 प्लस 2, 3, 3 प्लस 1, 4, 4 प्लस 5, 9, 9 प्लस 6, 15, 15 प्लus 2, 17, 17 प्लस 3, 20, 20, बस ये करना है। तो अब आपका फॉर्मूला देख लीजिए, बार x कहते हैं मीन को, बार x इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ। तो बताओ सिग्मा एफ एक्स कितना आया था हमारा, 162, और सिग्मा एफ कितना आया था, 20। तो जीरो से तो यहाँ डेसिमल लगेगा, और टू से आप कैंसिल करेंगे तो टू एट जा और टू वन जा, तो आंसर कितना आया, 8.1। ये हमारा आंसर है। और इस मेथड को क्योंकि हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, अभी हम और मेथड भी सीखेंगे, अभी हम और भी सीखेंगे, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। समझ में आया, यस सर। देखो एक क्वेश्चन और देखो इस पे।